हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइज आर ऑल डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज हम वीडियो बना रहे हैं इस हार्ले डेविडसन 750 स्ट्रीट 2019 के ऊपर। तो ये गाड़ी है सेल के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सो गाइस, स्टार्ट करेंगे फ्रंट से। इसमें आपको हेलोजन हेडलाइट मिल जाएगा, एज वेल इंडिकेटर भी हेलोजन में ही मिलेंगे। और इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो कि आप देख रहे हो सामने में। आपको एक डिस्क मिल जाएगी, मेरे हिसाब से इसमें दो डिस्क होना था, जस्ट बिकॉज ज़्यादा सीसी की गाड़ी है तो लुक भी इनहेंस हो जाता है और ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और दोनों टायर इसमें MRF के ही मिलेंगे आपको। तो फ्रंट टायर साइज़ की बात करेंगे तो 100x80 17 इंच का फ्रंट टायर है, और रेयर टायर आपको मिलेगा 150 सेक्शन का। तो इधर से आ जाते हैं अभी थोड़ा ऊपर, तो यहाँ पे देख सकते हो आप ऐसे कुछ हार्ले डेविडसन के टैंक के ऊपर ब्रांडिंग करी हुई है, और ये थोड़ा चॉकलेट ब्राउन जैसा कलर इस गाड़ी में है। सो ये रहा गाड़ी का इंजन, जो कि है 749 सीसी का, जो कि प्रोड्यूस करता है 47 BHP एंड 59 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और इसमें आपको लिक्विड कूल्ड मिल जाता है इंजन जो है इसका, और यहाँ पे रेडिएटर देख सकते हो। इंजन जो है इसका वी ट्विन है, और साउंड इसकी बहुत ही अच्छी खासी साउंड आती है। इसमें आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा हुआ है, और पीछे में अगर हम आएंगे तो आप देख सकते हो बोथ द साइड आपको ऐसे क्रोम में सस्पेंशंस मिल जाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा था, पीछे में 150 सेक्शन का टायर मिल जाएगा। तो इसका टायर साइज़ है 150x70 15 इंचेस, और पीछे में भी आपको डिस्क मिल जाती है जो कि बहुत अच्छी खासी वाइड इनफ है। सारी गार्ड मिल जाएंगे बोथ द साइड, रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे यहाँ पे बोथ द साइड्स। और पीछे में आएंगे तो टेल सेक्शन इसका LEDs में है, तो टेल सेक्शन बहुत अच्छा लगता है। एंड इंडिकेटर्स इसके जो है हेलोजन पिलियन के लिए, यहाँ पे काफ़ी अच्छा बैक रेस्ट सपोर्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे एक स्ट्रिप है जिससे कि पिलियन आगे नहीं घसरेगा। और यहाँ से अगर हम नीचे आ जाते हैं तो बेल्ट ड्राइव इसमें आपको मिल जाती है। तो इसमें चेन का जो मेंटेनेंस होता है वो इसमें पूरा ख़त्म हो जाता है। बेल्ट ड्राइव होने के कारण चेन मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है, और बेल्ट बहुत लंबा चलता है। 6-speed ट्रांसमिशन मिल जाते हैं, गियर ऐसे कुछ है आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपको लेग गार्ड मिल जाएगा, और यहाँ पर रेयर ब्रेक। तो अभी देख लेते हैं इसका मीटर, तो 5015 किलोमीटर सिर्फ गाड़ी चली हुई है, और गाड़ी सेल के लिए है। और मैं मीटर बता देता हूँ, तो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, यहाँ पे हार्ले की ब्रांडिंग करी हुई है, यहाँ पे न्यूट्रल शो हो जाएगा, यहाँ पे इंडिकेटर शो हो जाएगा। मैं जला के बता देता हूँ, तो ये देखो है ऐसे कुछ इंडिकेटर यहाँ पर शो हो जाएगा, तो इस यहीं से इंडिकेटर बंद भी हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे ABS की लाइट जल रही है, सो यहाँ पे का ABS आएगा, और यहाँ पे बीच में आपका ओडोमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ट्रिप है, ट्रिप भी, और यहाँ पे टाइमिंग, और यहाँ पे गियर RPM शो हो जाएगा यहाँ पे। तो ये ज़ीरो है, तो यहाँ पे आप जब गाड़ी चलाओगे तो आपको उसमें RPM शो हो जाएंगे, सो दैट इज़ टैकोमीटर। और ये आपका ओडोमीटर आ गया, और यहाँ पे भी हार्ले की ब्रांडिंग है। और सीटिंग पोस्चर काफ़ी अच्छी है इसकी, और आप ये देख सकते हो यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम की बटन मिल जाएगी, इंडिकेटर के कंट्रोल मिल जाएंगे, हॉर्न मिल जाएगा, यहाँ पे आपको किल स्विच मिल जाएगा, और यहाँ पे आपका सेल्फ स्टार्ट आ जाएगा। अब इसको कर देते हैं ऑफ। और ये गाड़ी है 2019 की, जो कि है सेल के लिए, और इसकी आस्किंग जो है वो है, तो इसकी आस्किंग है 4,70,000 रुपीज़, और ये गाड़ी है मुंबई की। तो अगर आपको ये गाड़ी ख़रीदने की रही, और आपको अगर ये गाड़ी देखनी है, चलानी है, तो आप इंडियन मोटर्स पे आ सकते हो, और इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं सारी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप आइए अपनी डील समझिए। तो गाइस, अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को और लेते एक छोटी सी टेस्ट राइड। वाओ, बहुत ही अमेजिंग साउंड कर रही है गाड़ी। सॉरी अगर आपको ये आ रहा होगा, विंड नॉइज आ रहा होगा। तो वाओ, पिकअप बहुत अच्छा लग रहा है गाड़ी का, और मतलब ऐसा
राहुल बहुत अच्छी कर रही है गाड़ी, बहुत सही लग रहा है। इट फील्स ऑसम मैन। वाओ क्या पिकअप है, खतरनाक एकदम, बहुत ही तगड़ा पिकअप आ रहा है और व्यू अच्छा आ रहा होगा होप करता हूँ। वाओ मैन एकदम ऐसे गाड़ी पीछे फेंक रही है। यहाँ पे मैं रिस्क नहीं ले सकता बिकॉज सिग्नल है, तो बाकी गाड़ी बहुत ऑसम चल रही है। दिस इज अमेजिंग बाइक, मैंने सोचा नहीं था इतना ज़्यादा पावर ये प्रोड्यूस करती होगी। विंड नॉइज आई नो बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन इस गाड़ी की पावर उससे भी ज़्यादा है, क्या करूँ। और आवाज़ भी बहुत अच्छी आ रही है इस एग्जॉस्ट की, एकदम कड़ाक। और ब्रेकिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है इस गाड़ी की, जैसा आप रोक रहे हो वैसी गाड़ी आराम से रुक जा रही है। और यहाँ पे देख सकते हो आप आरपीएम शो हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और अभी हम अपने डेस्टिनेशन पर आ गई है। ओवरऑल गाड़ी के इंजन की बात करूँगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंजन है गाड़ी का, और साउंड बहुत अच्छी कर रही है गाड़ी। एंड मुझे ऐसा कोई इसमें ना ही मिसिंग की कोई प्रॉब्लम लगी ना ही कुछ, बहुत ही सही लग रही है गाड़ी चलने में। आई थिंक इज इवन बेटर अगर इसमें फ्री फ्लो एग्जॉस्ट होता, इसमें डीबी किलर नहीं होता तो ये गाड़ी का आवाज़ और भी कम हो जाता, पर इसमें डीबी किलर होने के कारण से गाड़ी का आवाज़ और थोड़ा कम हो रहा है। तो यहाँ पर रुक जाते हैं, तो इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू राइडिंग दिस मोटर यार, बहुत सही चल रही थी एकदम। तो ये उड़ चुके न्यूट्रल हम सब। सो गाइज होप करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज, टेक केयर, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।